लिए हमारा जो मकसद है जो एक्सप्रेस कैंपस का, हम नेहरू युवा केंद्र संगठन जेएनके का जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वोट बाइसिकल डे 3 जून को, और ये हमारा जो जम्मू में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है सांबा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है जहाँ से शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का गांव है, वहाँ पे एक 7.5 साढ़े 7 किलोमीटर हम ये जो बाइसिकल रैली निकाल रहे हैं, इसमें 100 बाइसिकल्स हमारे चलेंगे साथ, और साथ साथ 100 साइकिल्स और एक वहाँ पे इनके लिए हमने रिफ्रेशमेंट का अरेंज किया हुआ है, और इसका यही मकसद है कि कैसे फिजिकली फिट रहना है और पोल्यूशन को फ्री करना है, ये मैसेजेस भी हमने देना है। हमने प्ले कार्ड्स भी बनाए, प्ले कार्ड्स में अलग अलग से स्लोगन्स हैं कैसे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे पोल्यूशन को हम बचा रोक सकते हैं, और कैसे फिजिकली फिट रह सकते हैं ये। और श्रीनगर में जो हमारा हो रहा है वो लाल चौक से स्टार्ट हो रहा है उसमें भी, और लेह में ये 3 जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और लेह में भी हमारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है इसी वर्ल्ड बाइसिकल डे के बारे में। तो इसमें बड़े हमारे जो पहले हमने गवर्नर साहब को वहाँ पे श्रीनगर में बोला था, अभी आज उनकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन वो भी बहुत अच्छा उसमें हमारा जो साथ दे रहे हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के साथ, हम उनके कोलोरेशंस के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और जम्मू में भी हमारा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जे एंड के गवर्नमेंट इसमें हमारी पूरा सहयोग दे रहा है, और इसको हमने ये सुबह 6:30 बजे वो इस गाँव में बबलाना गाँव एक है जो स्टेट इसमें सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है जहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का गांव है, वहाँ से हमने ये स्टार्ट करना है, और ये इसमें 100 साइकिल्स रहेंगी, और ये मैसेज देके हमारे प्ले कार्ड्स नेशनल फ्लैग्स वगैरह देके हमने ये फ्लैग उस वहाँ पे सुबह देना है। कितने बच्चे सर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसमें? जैसे मैंने पहले बताया कि 100 पार्टिसिपेट एक प्रोग्राम में श्रीनगर और लेह में ज़्यादा कर रहे हैं, और ये हमारे जो गांव है जो हमारे हमारा गोड़ा सलाथिया गांव है, गोड़ा सलाथिया के पास ही ये गांव पड़ता है, तो वहाँ पे गोड़ा सलाथिया डिस्ट्रिक्ट सांबा में कम से कम हमारे ये 100 100 से ज़्यादा साइकिल, लेकिन 100 का तो अरेंज हो गया है, तो उसमें हम यही मैसेज देंगे 7.5 साढ़े 7 किलोमीटर हमने इनको चलाना है, उसके बाद हमने इनका रिफ्रेशमेंट का भी, मेडिकल वगैरह एड्स का भी, सबका हमने ध्यान रखा हुआ है, और यही हमने मैसेज देना है जो वोट बाइसिकल लेके कि इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को, और फिजिकली फिट कैसे, जैसे पहले बाइसिकल्स में लोग चलते थे फिजिकली, इन्वायरमेंट का भी है, पोल्यूशन नहीं था, और इस सभी चीज़ें जो साइकिल चलाने के बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी एक अवेयरनेस देनी है युवाओं को।